क्या सही में स्टार्टअप के फेलियर का रीजन इंडियन लॉज है? क्या सच में इंडियन स्टार्टअप्स का रीबूट नहीं हो सकता? दूसरों के वेकेशंस को प्लान करते करते ये स्टार्टअप खुद ही एक लॉन्ग वेकेशन पर चला गया। अब घूमने तो हम सब जाते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा था कि ट्रैवल एजेंट्स को छोड़कर हम ऑनलाइन बुकिंग्स करने लगेंगे और वो जो ट्रेडिशनल वेज होते थे होटल बुक करने के, उन्हें छोड़कर हम अब ऑनलाइन होम स्टेज ढूंढने लगेंगे। वेल, आज की स्टोरी एक चेंज मेकर के बारे में है जिन्होंने ट्रैवल डेफिनेशन को इजी और कंफर्ट कर दिया। सो हेलो स्टार्टअपीरियंस, मैं हूं पंडिका और मैं आज लाई हूं आप सबके लिए एक फेलियर केस स्टडी, जो अभी तो फेलियर है बट हो सकता है बाद में एक बड़ा सक्सेस बन जाए। आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल इंडियन होम स्टे नेटवर्क की, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। योगेंद्र यशुपाल ने इस कंपनी का नाम इंसारा टेक्नोलॉजी से चेंज करके स्टेजला रखा विद एन आइडिया to build the presence in every district। ये एक online platform है जहां आप home stays, hotel bookings और alternative stays की bookings कर सकते हैं। इनकी operations 1100 cities और 15,000 stays के साथ हैं। और 2013 में तो इन्होंने 500 per day bookings का भी milestone हासिल किया हुआ है। योगेंद्र यशुपाल ने कंपनी अपने बचपन के दोस्त सचित सिंघाई और वाइफ रूपल योगेंद्र के साथ स्टार्ट की थी। उनका बचपन से ही स्टडीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती थी और इसी शौक से उन्हें स्टेजला का आइडिया भी आया। 2005 से 2010 तक योगेंद्र और उनके दोस्त सचित ने सेल्फ फंडिंग से ही बूस्ट ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा, बट अब उन्हें अपने ऑपरेशंस को दूसरे सिटीज में भी एक्सपैंड करना था। इसलिए 2013 से 2016 तक उन्होंने बहुत से फंड रेजर्स के साथ अपना साथ जोड़ा, जैसे मैट्रिक्स पार्टनर्स, नेक्सस कैपिटल और $34 मिलियन का फंड भी रेस किया। बट अचानक 2017 में यशुपाल ने एक दिन शट डाउन करने का अपडेट दिया टू रीबूट। चले चलाए बिजनेस को अगर बंद करने की बात हो तो बहुत से डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो न्यू आइडिया एंड दैट टू स्टार्टअप जैसे कॉम्बिनेशन पर ट्रस्ट करते हैं। और 12 इयर्स के ऑपरेशन में स्टेजला को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को एडुकेट करना इस न्यू आइडिया के रिगार्डिंग और इससे मार्केट पर लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज करना। आज की डेट में हम ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स यूज करते हैं जैसे मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो एक्सेट्रा, बट इंडियन वेंचर्स के अकॉर्डिंग स्टेजला अपनी इंडस्ट्री का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था और इसके कारण इसे बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसकी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ होम स्टेज काफी अच्छी है, या ऐसी कोई वेबसाइट जो और अच्छा कर सकती है, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बट वन ऑफ इट्स काइंड होने की वजह से स्टेजला को नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का भी सामना करना पड़ा, बट उन्होंने अपने ज्यादातर रिसोर्सेज को कस्टमर अवेयरनेस और नॉलेज पर लगाया ताकि वो अपने बिजनेस की मार्केट डेवलप कर सके। टाइम के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स आने लगे और स्टेजला भी अनस्टेबल होने लगा। इंडियन मार्केट में डिस्काउंट्स आर द की टू कस्टमर्स और इनके कॉम्पिटिटर्स यही करने लगे, बट स्टेजला ऑलरेडी हाई कॉस्ट पर रन कर रहा था, इसलिए ऐसे ऑफर्स वो अपने कस्टमर्स को नहीं दे पा रहा था। अपने बिजनेस से उनका विजन खुद ही हटता जा रहा था। हाई कस्टमर बिल्ड होने के बाद भी हर ईयर लॉस शीट फेस करना उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए एक स्टेप पीछे लेने का आइडिया उन्हें दी एंड से अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही किया। अब हम सबके अकॉर्डिंग ये स्टोरी में एक पॉज है, अब जब कुछ आगे होगा तभी पता चलेगा, बट उस टाइम इस पॉज को बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। स्टेजला ने अपने वर्किंग ड्यूरेशन में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिक्सॉ के साथ अपना साथ जोड़ा, पर 2017 में योगेंद्र ओन जिक्सॉ वर्थ न्यूज रुपीज 1.72 करोड़, बट एकदम से शट स्टॉप की न्यूज आने के बाद जिक्सॉ ने माइलापुर पुलिस स्टेशन चेन्नई में डी फ्रॉडिंग चार्जेस लगा दिए स्टेजला के फाउंडर पर। अब स्टोरी ने बिल्कुल डिफरेंट फेज ले लिया था, जहां ये कंपनी के ट्राइज टू गेट टू द टॉप चल रहा था, वहां ऐसी एलिगेशन सुन के सब शॉक हो गए थे। अकॉर्डिंग टू अ ऑडिट रिपोर्ट, आदित्य सीएस द ओनर ऑफ जिक्सॉ ने एक इन्फॉर्मेशन लेटर भी शेयर किया, जहां स्टेजला ने INR 1,56,32,992 की ड्यूज पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट दी थी। स्टेजला इसकी पेमेंट 3 महीने में करने वाला था, बट इसी बीच शट स्टॉप ऑफ बिजनेस की न्यूज ने जिक्सॉ में टेंशन रेज कर दी।
बहुत से लॉयर्स के अकॉर्डिंग इसे सिविल केस बनना चाहिए था, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन लॉज ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंडर कंसीडर किया गया। जहां एक तरफ आदित्य अपने एलिगेशंस को जेन्युइन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, वहां बहुत से स्टेजला के सपोर्टर्स इसे गलत कह रहे थे। यहां तक कि सेव योगी भी स्टार्ट किया गया टू गेट योगेंद्र आउट ऑफ जेल, बट फिर भी योगेंद्र एक महीना जेल में रहे और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्सॉ का ही साथ दिया। जब योगी जेल से वापस आए तो उन्होंने बताया एक मीडिया रिपोर्ट में कि कैसे आदित्य के पास कोई भी प्रूफ नहीं है शो करने के लिए कि योगी उनके साथ धोखा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बताया कि आदित्य ही उनके साथ धोखा कर रहे हैं। स्टेजला की बहुत सी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स या तो फोटोशॉप्ड होती थी या एंडिंग के मोमेंट्स होते थे जहां सिर्फ एक सेटअप लगाया हुआ दिखता था। योगी ने बताया NDTV के साथ हुए इंटरव्यू में, अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे किसी टीवी शो में आ गए हूँ। अब इनकी फाइट का लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला गया था जब योगेंद्र ने एक पोस्ट शेयर किया जहां उन्हें डेथ थ्रेट मिला हुआ था इन द वे ऑफ अ यूडू डॉट। कुछ अननोन सोर्सेस से भी पोस्ट शेयर किए गए जहां पर पूछा गया था कि वेयर टू गेट दिस यूडू डॉल फ्रॉम। अब बहुत से सपोर्टर्स थे और बहुत से हेटर्स थे जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज कर दिया था कि क्या गलत है और क्या सही, जो अभी तक अनक्लियर ही है। इन सब की स्टार्टिंग हुई सीरीज सी फंडिंग के बाद, जिसके बाद भी स्टेजला कॉन्टिन्यूसली लॉसेस शो कर रहा था। स्टेजला के अभी भी ऑपरेशंस ऑन है, बट इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। अब ये बिजनेस रिटर्न होगा या नहीं ये तो सिर्फ योगेंद्र बता सकते हैं, बट जाते जाते उन्होंने अपनी लास्ट स्टेटमेंट में ये बोला कि उन पर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो उन सबको बाहर निकालेंगे और उनका सच बताएंगे, और इंडियन लॉज इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप को चेंज करने की लड़ाई भी लड़ेंगे। इसी रेट में इंडिया एक बूस्ट स्टेज पर है स्टार्टअप्स के लिए। इंडियन लॉज इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप में कभी कोई चेंज होगा या नहीं, या फिर न्यू टैलेंट्स को भी यही चैलेंजेस फेस करने होंगे, आपके हिसाब से कौन सही है, योगी जो अपने बिजनेस को नया फेस देने की ट्राई कर रहा है या फिर आदित्य जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस नहीं करनी तो नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही कोई सक्सेस या फेलियर स्टार्टअप स्टोरी देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग।